भविष्य में झांकने के बहुत सारे तरीके हैं और ज्योतिष उनमें से एक है। ज्योतिष पर हम आपके लिए वीडियोस तो लाते ही रहते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम आने वाले वर्ष 2019 और 2020 के बारे में किसी और माध्यम से जानें और अपने प्यारे दर्शकों के साथ उसे शेयर भी करें। इसलिए हमने चुनाव किया भविष्यवक्ताओं के कथन का। भविष्यवक्ता एक अनोखी ताकत रखते हैं भविष्य को जानने के बारे में। इन्हें आप अंग्रेजी में सूथसेयर्स, साइकिक, फॉर्च्यून टेलर, क्रिस्टल गेजर, क्लेवरॉयंट आदि नामों से भी जानते हैं। और इनमें से जाने पहचाने नाम है नोस्टाडेमस, बाबा वेंगा, और कुछ नए नाम हैं जैसे क्रेग हैमिल्टन पार्कर इत्यादि। हमने इंटरनेट पर इनकी प्रोफेसीज यानी कि भविष्य कथन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और जो चीज हमें कॉमन मिली उन्हें हमने इस वीडियो में शामिल किया और उन कथनों को निकाल कर फेंक दिया जो बहुत ही नकारात्मक थे या बेसिर पैर के थे। तो आइए संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि हमारी रिसर्च क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले निशान को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम सबसे बाद में बताएंगे भारत के बारे में इन भविष्यवक्ताओं के कथन। इन भविष्य कथनों के बारे में हमारे दर्शकों से सलाह रहेगी कि इन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से ना लें और ना ही इनको सामने रखकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। इसे केवल एक रोचक वीडियो के रूप में ही देखें। हम इन भविष्यवाणियों के सत्यापन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो जानकारों का कहना है कि सीरिया में समस्या के चलते अमेरिका और रूस के बीच में तनाव बढ़ सकता है। कुछ देशों के नागरिक दूसरे देशों की तरफ इमिग्रेशन के लिए पलायन करेंगे जिसकी वजह से कुछ विकसित देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। नोस्टाडेमस की भविष्यवाणियों के अनुसार बहुत से लोग अपने देश को छोड़ देंगे और यूरोप में शरण लेने की कोशिश करेंगे। शरणार्थियों द्वारा फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और ऑस्ट्रिया में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और दंगों की भी आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो एक बहुत बड़े मजबूत देश की सरकार के अध्यक्ष को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। उन्हीं के परिवार में किसी की सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। आइए अब चलते हैं बैंकिंग और अर्थव्यवस्था की तरफ। कुछ भविष्यवक्ताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता, उतार चढ़ाव या फिर नीचे की ओर रुख जारी रह सकता है। 2019 में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। एक भविष्यवाणी के अनुसार यूरोप के कुछ बैंक्स के ऊपर साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रकृति और पर्यावरण की। यहां पर कुछ भविष्यवाणियां आपको गंभीर कर देंगी। नोस्टाडेमस के अनुसार 2019 में कुछ यूरोपीय देश असाधारण बाढ़ से निपटेंगे। इनमें भी जो देश सबसे ज्यादा नुकसान पाएंगे वे हैं हंगरी, इटली, चेक गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन। पर्यावरण को नुकसान के कारण लोगों को यूरोप, नेपाल और इंडोनेशिया के कुछ देशों में भूकंप, तूफान, बाढ़ और सूखे के रूप में प्रकृति के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नोस्टाडेमस भविष्यवाणी करते हैं कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करेगा और राजनीतिक नेता वायु प्रदूषक उत्सर्जन अर्थात एयर पोल्यूटेंट इमिशंस में कमी के संबंध में एक समझौते पर आ जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं भारत देश की। भारत वर्ष 2019 में स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में महान कदम उठाएगा। भारत अंतरिक्ष में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगा। भविष्य में चांद और मंगल पर स्पेस मिशन्स भेजेगा।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया है। दोस्तों इसे अवश्य लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी और रोचक वीडियोस लाने वाले हैं और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।